हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत, अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत, जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु तराय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है, और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है, और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है, और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था, और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है, मिस दुर्गा सिंह, हेमा मालिनी, जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है। लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है, यह फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की देखने की, तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का, या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत, अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत, जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु तराय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है, और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो
वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत हैं से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है। लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का, या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहां पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत हैं से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है। लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का, या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ
तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत, अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्टर जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था, और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है, मिस दुर्गा सिंह, हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है, लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है, यह फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की देखने की, तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का, या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत, अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्टर जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो
वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत हैं से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है, लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहां पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो जानी निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत हैं से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है, लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ
से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था, और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है, मिस दुर्गा सिंह, हेमा मालिनी, जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है। लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है, यह फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की देखने की, तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का, या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो
वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत हैं से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है, लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहां पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो जानी निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत हैं से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है, लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ
से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्टर जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था, और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है, मिस दुर्गा सिंह, हेमा मालिनी, जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है। लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है, यह फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की देखने की, तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का, या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्टर जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो
वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत हैं से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था, विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है। लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहां पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत हैं से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था, विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है। लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ
तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत, अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्टर जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था, और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है, मिस दुर्गा सिंह, हेमा मालिनी, जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है। लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है, यह फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की देखने की, तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का, या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत, अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्टर जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे।
जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है, लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहां पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो जानी निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है, लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ
तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत, अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्टर जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था, और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है, मिस दुर्गा सिंह, हेमा मालिनी, जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है। लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है, यह फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की देखने की, तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का, या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत, अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्टर जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो
वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत हैं से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है, लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहां पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत हैं से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है, लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ
से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत, अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्टर जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था, और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है, मिस दुर्गा सिंह, हेमा मालिनी, जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है। लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है, यह फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की देखने की, तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का, या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत, अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्टर जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो
वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत हैं से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है, लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहां पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो जानी निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत हैं से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है, लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ
से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत, अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था, और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है, मिस दुर्गा सिंह, हेमा मालिनी, जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है। लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है, यह फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की देखने की, तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का, या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत, अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो
वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है, लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहां पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो जानी निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है, लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ
तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत, अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्टर जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था, और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है, मिस दुर्गा सिंह, हेमा मालिनी, जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है। लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है, यह फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की देखने की, तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का, या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत, अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्टर जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है
जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है, लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्टर जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहां पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो जानी निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है, लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ
तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत, अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था, और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है, मिस दुर्गा सिंह, हेमा मालिनी, जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है। लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है, यह फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की देखने की, तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का, या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत, अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो
वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है। लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का, या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहां पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो जानी निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है। लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का, या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ
से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत, अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्टर जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जानी निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था, और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है, मिस दुर्गा सिंह, हेमा मालिनी, जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है। लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है, यह फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की देखने की, तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का, या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत, अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्टर जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जानी निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे।
जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है। लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का, या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्टर जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहां पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है। लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का, या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ
से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत, अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्टर जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था, और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफ़ी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है, मिस दुर्गा सिंह, हेमा मालिनी, जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है। लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है, यह फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की देखने की, तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का, या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत, अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्टर जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो
वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है। लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का, या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहां पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है। लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का, या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ
तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत, अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्टर जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था, और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है, मिस दुर्गा सिंह, हेमा मालिनी, जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है। लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है, यह फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की देखने की, तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का, या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत, अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्टर जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे।
जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है, लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहां पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो जानी निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है, लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ
तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत, अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्टर जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था, और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है, मिस दुर्गा सिंह, हेमा मालिनी, जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है। लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है, यह फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की देखने की, तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का, या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत, अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्टर जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे।
जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है, लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्टर जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहां पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो जानी निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है, लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ
से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत, अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्टर जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जानी निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था, और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है, मिस दुर्गा सिंह, हेमा मालिनी, जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है। लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है, यह फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की देखने की, तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का, या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत, अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्टर जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जानी निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे।
जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है, लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहां पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो जानी निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है, लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ
से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्टर जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था, और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था, विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है। लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है, यह फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की देखने की, तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का, या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्टर जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो
वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत हैं से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है, लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहां पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत हैं से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है, लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ
तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत, अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्टर जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था, और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था, विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है। लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है, यह फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की देखने की, तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का, या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत, अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्टर जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहाँ पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो जाने निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है
जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है। लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का, या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अंधा कानून मूवी से रिलेटेड, जिसमें आपको रजनीकांत अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे इस मूवी को आप कहां पर देख पाएंगे, फ्री में या फिर पैसे देकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अंधा कानून 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिसमें रजनीकांत जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हैं, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता है प्राणा, डेनी डेंजोगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, प्रेम और प्रेम चोपड़ा सहित खलनायक भूमिकाओं में अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं जबकि माधवी और धर्मेंद्र अतिथि भूमिका में भी दिखाई देते हैं। यह तमिल फिल्म सत्तम औरु एरु राय 1981 की मूवी या रिमेक है। दोस्तों बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो जानी निसार अख्तर खान अमिताभ बच्चन जो है एक वन अधिकारी के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी जखिया जो कि माधवी है और अपनी बेटी नीलू के साथ रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र कुछ ऐसे शिकारियों से होती है जो अवैध रूप से चंदन के पेड़ काट रहे थे। जब चुनौती दी जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक संघर्ष शुरू होता है और उनमें से एक रामा गुप्ता जो कि अमरीश पुरी है वो मारा जाता है। खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 20 साल के जेल होने के सदमे और तबाह पत्नी जिसके साथ बलात्कार किया गया ने अपनी बेटी के साथ खुद को मार डाला। वर्षों बाद एक क्रोधित और चिड़चिड़े खान को जेल से रिहा किया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक और युवक विजय सिंह जो कि रजनीकांत से होती है और पता चलता है कि वह 3 लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए संघर्ष कर रहा है जिन्होंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घायल और मार डाला था और उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है। या तब होता है जब खान को पता चलता है कि गुप्ता अभी भी जीवित है और उसे मारने का फैसला करता है। काफी नाटकीय रूप से उसी अदालत कक्ष में जहां उसे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। विजय की एक बहन भी है मिस दुर्गा सिंह हेमा मालिनी जो सिर्फ उन 3 आदमियों से बदला लेने के लिए पुलिस विभाग में शामिल हुई है। लेकिन कानूनी तौर पर जबकि उसके भाई विजय ने अपने में कानून लेकर उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया है खुद के हाथ, क्योंकि वह खान को पसंद करता है, वह कानून में विश्वास नहीं करता। वह कैसे सफल होता है या फिल्म की मनोरंजक कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी की देखने की तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं G5 का, या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई IMDb की तरफ
तरफ से। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आते, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।